हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीकी रे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ माइंड बेंडिंग टाइम ट्रेवल एंड टाइम लूप पर बनी साईफाई मूवीज के बारे में। साईफाई जॉनरा में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए एकदम 1960 के द टाइम मशीन मूवी के बाद से आज तक इस जॉनरा में मूवीज बन रही है। और आज हम इसी जॉनरा के कुछ मस्ट वॉच मूवीज को एक्सप्लोर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट के सारे मूवीज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, सिर्फ लास्ट के मूवी को छोड़ के जो इसी साल रिलीज हुई एक इंडियन साईफाई मूवी है। तो लिस्ट को एकदम एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट की फर्स्ट मूवी एक साईफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी में हम जैक स्टार्क्स की कहानी देखते हैं जो इराक वॉर से अपने घर यूएस में लौटता है, लेकिन वॉर के दौरान उसके सर में चोट लग जाता है और उसे एमनेशिया या फिर भूलने की बीमारी हो जाती है। और घर लौटते वक्त एक पुलिस ऑफिसर उसे एक झूठे मर्डर केस में फंसा कर जैक को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज देता है, जहां जैक के ऊपर वहां के डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे एक जैकेट पहना के ड्रॉअर में लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जैक फ्यूचर में टाइम ट्रेवल भी कर पाता है। मूवी का नाम है द जैकेट, जो 2005 में बनी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। और मूवी में लीड रोल में एड्रियन ब्रोडी ने काम किया है। और फ्रेंड्स, ये काफी एक यूनिक मूवी है क्योंकि मूवी में टाइम ट्रेवल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर दोनों जॉनर्स को काफी अच्छे से कॉम्बाइन किया गया है। मूवी थोड़ी स्लो है और थोड़ी डिप्रेसिंग भी है और इसकी एंडिंग आपको डिसअपॉइंट भी कर सकती है, लेकिन मूवी काफी इंटरेस्टिंग भी है और थ्रिलर जॉनर के फैंस के लिए ये एक वर्थ वॉचिंग मूवी है। द जैकेट को आप यूट्यूब पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। और अब थ्रिलर के बाद नेक्स्ट में एक कॉमेडी मूवी के बारे में बात करते हैं। और ये मूवी एक वेडिंग फंक्शन में सेट है, जहां हम नाइल्स और सारा को देखते हैं जो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और ये दोनों इसी वेडिंग के दिन को बार बार रिपीट करते रहते हैं। नाइल्स, जो पहले से ही इस लूप में फंसा हुआ है, उसने इसी लूप को अपना फ्यूचर मान लिया है और इसीलिए एकदम बिंदास होकर केयरफ्री तरीके से अपना दिन गुजारता है। लेकिन सारा इस लूप से निकलना चाहती है और इसीलिए सारा नाइल से हेल्प मांगती है। तो क्या ये दोनों इस लूप से बाहर आ पाते हैं, वो आपको इस मूवी में देखना होगा। मूवी का नाम है पाम स्प्रिंग्स, जो 2020 में बनी एक बहुत ही एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें टाइम लूप का तड़का भी लगाया गया है। मूवी में दोनों ही लीड एक्टर्स एंडी सैमबर्ग और क्रिस्टिन मिलोटी, दोनों का परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, जिससे मूवी और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाता है। मूवी के स्टोरी के साथ साथ मूवी के जो विजुअल्स हैं और सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा है। पाम स्प्रिंग्स को आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर और इंग्लिश लैंग्वेज में यूट्यूब पर देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक टाइम लूप पर बनी साईफाई थ्रिलर मूवी है। मूवी में हम हेक्टर को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ अपने कंट्री साइड के नए घर में आया है और एक सुबह हेक्टर बायनोकुलर्स के साथ उसके घर के सामने के जंगलों में देखता है और वहां उसे एक लड़की दिखती है जो बेहोश होकर पड़ी हुई है। हेक्टर उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे एक बैंडेज पहना हुआ अजीब सा इंसान हेक्टर पर हमला करता है। हेक्टर उस अटैकर से बचते हुए एक बिल्डिंग में जाता है जो एक सीक्रेट लेबोरेटरी है और वहाँ एक साइंटिस्ट टाइम को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मूवी का नाम है टाइम क्राइम्स। और फ्रेंड्स, ये 2007 में बनी एक लो बजट स्पैनिश लैंग्वेज साईफाई थ्रिलर मूवी है जो टाइम लूप और टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और एक बहुत ही ब्रिलियंट साईफाई मूवी है। मूवी का प्लॉट सस्पेंस से भरा हुआ है, मूवी एकदम मैच्योर ऑडियंसेस के लिए है। ओवरऑल टाइम क्राइम्स एक बहुत ही एंगेजिंग साईफाई थ्रिलर मूवी है और इस जॉनरा के फैंस के लिए एक मस्ट वॉच है। टाइम क्राइम्स को आप सबटाइटल्स के साथ यूट्यूब पर देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक माइंड बेंडिंग हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी में हम दो भाई जस्टिन और एरन की कहानी देखते हैं, जिनको एक VHS टेप मिलता है और उस टेप में उन्हें अपने पुराने कैंप आर्केडिया, जो एक UFO कल्ट है, उसे एक बार फिर से विजिट करने का इन्विटेशन दिया जाता है। 10 साल पहले इसी कैंप से ये दो भाई भाग गए थे और अब एक बार फिर से अपने क्लोजर के लिए इस कैंप को रिविजिट करते हैं। लेकिन कैंप में जाने के बाद वो थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस कैंप के जो लोग हैं वो एकदम वैसे ही हैं जैसे 10 साल पहले थे, उनकी एज एकदम भी नहीं बढ़ी है। और फिर जस्टिन और एरन कैंप में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है एक मिस्टीरियस एंटिटी के बारे में जो इस पूरे कैंप को कंट्रोल करता है। मूवी का नाम है द एंडलेस। और फ्रेंड्स, ये मूवी 2017 में बनी एक लो बजट साईफाई हॉरर कम थ्रिलर मूवी है। मूवी का प्लॉट काफी यूनिक और इंट्रीगिंग है, मूवी का सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा है, साथ ही मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली में मूवी के जो दो लीड एक्टर्स हैं उन्होंने ही इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। कॉस्मिक हॉरर मूवीज के फैन हो या फिर साईफाई थ्रिलर मूवीज के फैन, ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है एंड आई हाईली रेकमेंड दिस मूवी। द एंडलेस को आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूट्यूब पर देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक माइंड बेंडिंग साईफाई मूवी है। मूवी फ्यूचर में सेट है, जहां हम टेम्पोरल एजेंट्स को देखते हैं और ये एजेंट्स टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में जाकर क्राइम्स को होने से पहले रोकते हैं। और इस मूवी का हीरो भी ऐसा ही एक टेम्पोरल एजेंट है।
है जो एक डेंजरस बॉम्बर को रोकने के मिशन में है और इसीलिए 1970s के न्यूयॉर्क में ट्रेवल करता है। लेकिन मिशन के दौरान वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए वो 1970s के न्यूयॉर्क में ही रुक जाता है। और फिर ये कहानी कहां जाता है वो आपको मूवी में ही देखना होगा। मूवी का नाम है प्रीडेस्टिनेशन, जो 2014 में बनी एक बहुत ही यूनिक साईफाई मूवी है और मेरे हिसाब से इस मूवी में टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और सच में फ्रेंड्स, इस मूवी का स्टोरी और इसका ट्विस्ट एंडिंग एकदम माइंड ब्लोइंग है। मूवी में इथन हॉक और सारा स्नोक दोनों ने लीड रोल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। प्रीडेस्टिनेशन एक माइंड बेंडिंग साईफाई मूवी है जिसकी स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग है। और आप प्रीडेस्टिनेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर और यूट्यूब पर देख सकते हो। और इसी के साथ लास्ट में बात करते हैं एक माइंड बेंडिंग इंडियन साईफाई मूवी के बारे में जो इसी साल रिलीज हुआ है। मूवी में हम अपूर्वा की कहानी देखते हैं जो बेंगलोर में अकेला रहता है और यहाँ वो पार्ट टाइम जॉब्स करता है और साथ ही थिएटर भी करता है। लेकिन अपूर्वा की लाइफ एकदम बदल जाता है जब वो एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से मिलता है जिसका नाम है अरिवू। और अरिवू अपूर्वा को कहता है कि उसके फादर, जो उसके बचपन से ही मिसिंग थे, वो अभी भी जिंदा है। और सिर्फ यही नहीं, अरिवू अपूर्वा को अपने फादर तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है, जो है टाइम ट्रेवल। मूवी का नाम है ब्लिंक, जो इसी साल रिलीज हुई कनाडा लैंग्वेज में बनी एक बहुत ही यूनिक साईफाई मूवी है। और फ्रेंड्स, मैं इस मूवी के माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को देख के एकदम शॉक्ड हो गया था। मूवी की स्टोरी प्रीडेस्टिनेशन से थोड़ी सी मिलती है, लेकिन फिर भी मूवी के जो राइटर डायरेक्टर हैं सुनीधि बेंगलुरु, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक और ब्रिलियंट साईफाई टाइम ट्रेवल मूवी बनाया है। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। ये एक मस्ट वॉच साईफाई थ्रिलर मूवी है और आप ब्लिंक को कन्नड़ा लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। एंड दैट्स द लिस्ट फ्रेंड्स, मस्ट वॉच टाइम ट्रेवल एंड टाइम लूप साईफाई मूवीज। इस लिस्ट का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।